ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राधे राधे, जय माता दी। 2022 में कब कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी और विशेष जानकारी आप सभी को सटीक इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करूंगी। सबसे पहले भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि की रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। माता यशोदा की 8वीं संतान के रूप में यह जानी जाती है। ऐसे में इस दिन जो है विशेष रूप से लड्डू गोपाल का पूजन किया जाता है। रात 12 बजे जो है उनका पूजन करने का हालांकि विधान है, सुबह से कैसे करना है ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप सभी को पहले दिन ही कुछ विशेष तैयारी कर लेनी होगी, जैसे कि सामग्री लानी होगी। भगवान लड्डू गोपाल के लिए आवश्यक रूप से तुलसी पत्र पहले ही दिन तोड़ लेना शुभ माना जाता है। जिस दिन आपका व्रत रहे उस दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता, और साथ ही उनके लिए नए पोशाक फूल इत्यादि लाकर अपने घर पर पहले दिन ही रख ले। रात्रि से सात्विक भोजन करके सुबह जो है व्रत का संकल्प ले। लड्डू गोपाल के लिए आवश्यक रूप से झूले का निर्माण करके उनका विधि विधान से पूजन करें। इसके साथ ही 2022 में जो है अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 18 अगस्त शाम 9:21 से। अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी 19 अगस्त रात 10:59 के आसपास। अभिजीत मुहूर्त भी इस दिन हो रहा है, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। साथ ही भरणी नक्षत्र हो रहा है। ऐसे में हिंदू पंचांग के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी इस दिन इस बार जो है दो दिन पड़ने जा रही है। पहली 18 को जिस दिन गृहस्थ लोग मनाएंगे, वही दूसरी 19 को हो रही है जिसे साधु संत मनाएंगे। ऐसे में हम सब गृहस्थ लोग हैं तो 18 अगस्त को दिन जो है अष्टमी तिथि पड़ रही है, साथ ही रोहिणी नक्षत्र भी हो रहा है। तो शास्त्र सम्मत यही जानकारी है कि गृहस्थ लोग जो है 18 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे, साधु संत जो है वह 19 को भी मनाएंगे। दो चारों तरफ जो है 18 और 19 अगस्त को हर्षोल्लास का माहौल होगा, दही हांडी इत्यादि के कार्यक्रम होंगे, परंतु व्रत जो है 18 को किया जाएगा, 19 को भी मना सकते हैं। ऐसे में आप जो सभी जो है आवश्यक रूप से लड्डू गोपाल का विधि विधान से पूजन करें, पूरे दिन व्रत का संकल्प लें, रात्रि में फलाहार ही करें। रात्रि 12 बजे जो है जिसे निशित काल कहा जाता है 12:20 से 1:05 तक रहेगा। इस दौरान जो है प्रभु का विशेष पूजन अर्चन करें, अलग अलग तरह से जो है उनका जन्म कराया जाता है। ऐसे में पूरी रात्रि आप प्रभु का जागरण कर सके या कोई विशेष भोजन कर सके तो काफ़ी उत्तम है। भोजन जो है अन्न इस दिन त्याग किया जाता है, इस बात का आप सभी को ध्यान रखना होगा। दूसरे दिन जो है पारण का शुभ मुहूर्त 19 अगस्त को किया जाएगा, इस चीज का भी आप सभी को ध्यान रखना होगा। ऐसे में लड्डू गोपाल की विशेष पूजा अर्चना घर में सुख समृद्धि धन संपदा और वैभव को लाने वाली होती है। साथ ही इस दिन पति पत्नी विशेष रूप से लड्डू गोपाल की विशेष आराधना करें, पूजा करें तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से लड्डू गोपाल के लिए कुछ भी आप भोजन इत्यादि बनाएं, कुछ भी प्रसाद बनाएं, नैवेद्य बनाएं तो उसमें तुलसी दल आवश्यक रूप से रखें। इस तरह से जो है इस दिन पूजा अर्चना की जाती है। वीडियो आपके लिए मददगार रहा हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या राधे राधे लिखना ना भूलें। जय माता दी।